देश एक इलेक्शन और एक ही देश एक कानून, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार कराएं विधानसभा और लोकसभा, खत्म करें। अब देखिए विधानसभा और राज्यसभा होता तो है ना, उसमें क्या जाता है, आप लोगों का पैसा खराब हो जाता है। अब क्या मोदी जी फिर से? मोदी जी फिर से क्या लगता है आपको? मोदी जी आएंगे, वो तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, ये 40 नहीं ऊपर जा रहे हैं। अडानी हुए, अंबानी हुए, ये लोग सर एक रुपए का भी सामान है ना, एक रुपए का भी सामान है, ये गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते हैं। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रहे हो लेकिन ये नहीं पता कौन सा पैसा किस पार्टी को जा रहा है, किस पार्टी को कितना पैसा किसने दिया है, ये चिट्ठे खोलने का मेरा बड़ा सपना है। चलिए अभी लोकसभा चुनाव 2024 की जो तिथि का जो घोषणा हो चुका है, अगर उससे पहले बात की जाए तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जा रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं समर्थन करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। मतलब एक उसके अंदर क्या है, देखो पब्लिक को मतलब क्या है, एक हमारे हिंदुस्तान भाई साहब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे पे बाल बाल कर्जे में हमारा डूबा हुआ है, अगर ये सराहना कर रहे मैं बहुत बढ़िया करूंगा कि लोगों का टाइम बचेगा। बेटे बात डिबेट करने दो, लोगों का एक तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, दूसरा इतना करोड़ों खरबों रुपया इलेक्शन का बचेगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छी सराहना करूंगा। एक देश एक इलेक्शन एक कानून, ये होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का सब आप भी समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो है जितना ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, हर महीने कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, छोटा बड़ा ये वो होता ही रहता है, और जितना सिस्टम है वो सब उसमें व्यस्त रहता है, मशीनरी सारी उसमें उतरती है। एक बार कराएं विधानसभा और लोकसभा, खत्म करें, उसी में चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा और वो प्रधानी का चुनाव अलग कर दें। लेकिन अभी जो है 7 चरणों में चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव 2024 का, लेकिन पूरे देश का चुनाव, पूरे विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो कैसे संभव है या आपको लग रहा है? क्यों नहीं हो सकता सर, क्या बात कर रहे हैं आप, आपके पास एक टाइम होगा। अब देखिए विधानसभा और राज्यसभा होता तो है ना, उसमें क्या जाता है, आप लोगों का पैसा खराब हो जाता है। इलेक्शन तो दो मुद्दे तो सारे बड़े वाले केंद्र ही हल कर देता है, और कुछ मुद्दे ऐसे होते राज्य करते हैं, मगर मैं इसकी सराहना बिल्कुल अच्छी बात कर रहा हूँ कि अगर एक देश एक इलेक्शन और एक ही देश एक कानून, ये बहुत अच्छी बात है। जय हिंद जय भारत। क्या लगता है हमारे देश में अभी जो चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे पे चुनाव होगा? देखिए आपकी बार जो है, देखो वो तो मैं फिर वही वाली बात कह के परेशान होना, आना तो उसी ने है, क्योंकि सामने लड़ने वाले नहीं है ना, विपक्ष भी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, जरूरी है, लेकिन विपक्ष तब हो ना कि खुद खड़ा हो। अब मोदी जी या बीजेपी तो खड़ा नहीं करेगी, इनको ताकतवर कर देगी, भैया इनमें चलो जी तुम खड़े हो जाओ, वो क्यों चाहेंगे, वो तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, ये 40 नहीं ऊपर जा रहे हैं, समझ लो, और दूसरी ये अलग अलग लड़ रहे हैं। आप देखो कि ये केंद्र में ये हैं, लेकिन वहाँ पे फैटिंग पैटा गुत्ती गुत्ता सब कर रहे हैं राज में जाके, तो पब्लिक देख रही है कि ये केंद्र में तो जाके एक हो जा रहे हैं और यहाँ आके गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे पे। विपक्ष में कोई नहीं है मोदी जी को टक्कर देने वाले। भाई साहब एक ना लॉजिकल पॉइंट बता दूं, अगर घर के चार भाई उनके विचार ही आपस में नहीं मिल रहे तो आप किसके ऊपर हमला करेंगे, जब आप एक ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, किसी को हराए चाहे जिताए, ये तो 140 करोड़ जनता ही तय करती है, मगर मैं इनको जो गठबंधन को मैं समझता हूँ इनका गठबंधन है और ना होगा आगे, क्योंकि आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, और उनके गठबंधन में क्या आपको प्रधानमंत्री बनना है, इनको प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को प्रधानमंत्री, तो यही सोच बॉन्ड को लेकर के, जो चुनावी बॉन्ड को लेकर के भाजपा बैकफुट पे है, क्या लगता है जनता जो है इस बात को समझ करके हो सकता है मोदी जी के खिलाफ वोट करेगी? सुनिए मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट को, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिफाफे में और वो पेन ड्राइव दे दी, ठीक है, उसका खुलासा जून में ही होगा, क्योंकि वो जो है लीगल है, पहले पर्ची सिस्टम था कि पर्ची का भाई इस पार्टी को दे दिया पैसा, उस पार्टी को दे दिया, खा जाते थे, ठीक है, उसमें नेता भी पर्सनल फायदा उठा, अब उसको कानूनी जामा पहना दिया किसने, अरुण जेटली ने, अब आपकी केवाईसी होगी, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हो लेकिन ये नहीं पता कौन सा पैसा किस पार्टी को जा रहा है। अब ये लोग पता क्या है, इनके जो है विपक्ष वाले जो खेत गलियान गैंग बैठे हैं, जो फालतू के चैनल, वो बकैती क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं से भी अडानी निकल आए चंदा देता हुआ और वो टैग मैं मोदी जी पे चिपका दूं और 3 दिन हमारा चलता रहे सेशन, ये नहीं होगा। आपको बताऊं चंदा जो दिए गए हैं अब उनका नाम ही नहीं पता लोगों को कि ये कहां से आ जाता है। विपक्ष ये चाहता है कि मोदी अडानी का, गौतम अडानी का नाम आए। देखो ऐसा है जी, अडानी हुए, अंबानी हुए, ये लोग सर एक रुपए का भी सामान है ना, एक रुपए का भी सामान है, ये गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते हैं,
इसके अंदर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते आप। इतने बड़े लेवल पे वो काम कर रहे तो नेचुरल ईयर है, उसमें तो एलिगेशन लगाने का मतलब नहीं। हाँ मैं इस चीज का तो आपको बार बार बोलो, अभी जब ये चिट्ठे खुलेंगे किस पार्टी को कितना पैसा किसने दिया, ये चिट्ठे खोलने का मेरा बड़ा सपना है। ये देखो इसमें बड़ा दांव पेच है, जो आरबीआई है वो कह चुकी है कि भैया इसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड खरीदे जाएंगे उसके जो सीरियल नंबर है मैच करने के बाद अभी भी नहीं पता लगेगा कि किसने किसको चंदा दिया। आप देखो कि ये क्या नाम टीएमसी एक राज्य में सरकार है, दूसरे नंबर की पार्टी है लाभार्थी में इसमें, अगर टीएमसी, क्योंकि अडानी का जो पैसा है बंगाल में भी बहुत मोटा लगा हुआ है, लेकिन अडानी का नाम ही नहीं है, नाम उनके आ गए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ये लोग भी चंदा देते हैं। हम तो अडानी अंबानी सुन रहे थे कि भैया यही देते हैं सरकार, यही चला रहे हैं, पता लगा उनका नाम ही नहीं है। अब इनके विपक्ष को यही चीज समझ नहीं आ रही कि हमने मुद्दा तो उछाल दिया लेकिन अब इसका जो एग्जिट की दशा। अब एक बात बताओ, अडानी का अगर नाम नहीं आया, 1 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिया या 50 लाख कांग्रेस को दिया, 1 करोड़ बीजेपी को दिया, लिया तो तुम दोनों ने ना, वो पावर में है, रूलिंग पार्टी है, उसके 303 सांसद है, उनको जाहिर है ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन तब भी नहीं मिला। एनडी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 54% मिला है और 46% बीजेपी को मिला। अब बताओ देखिए, ये जो डंडा चला है ना, जो भी ये बाउंड खोला सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, इसके अंदर जितने चोर लोग हैं, दो नंबर का काम करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो सामने आएंगे। मैं आपको बार बार कह दूं, अंबानी हुए अडानी हुए, ये लोग टैक्स पेड है, इसको अंदर क्या, अगर आप गलत काम के लिए आपकी 1 रुपए आप आमदनी कर रहे हैं और 1 करोड़ आप चंदा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टच गवर्नमेंट के साथ है कि आपको बेनिफिट कितना देना है। दिखा देता हूँ, ये रहा आपके कैमरे में, अगर आए, इन लोगों ने चंदा दिया, इनका नाम देखो डीएलएफ, आप देख लो, बड़ा कर लो, बड़ा करना डीएलएफ, समझ रहे हो, इसमें कहीं नहीं अडानी है, 25 लोगों की लिस्ट आई है। दूसरी चीज, अगर मान लो आप बताओ कि आप भी लाभार्थी है, अगर सामने वाले जो आरोप लगा रहे हैं आपको भी पैसा गया है, रूलिंग पार्टी जो है उसके 300 सांसद हैं, उनके ज्यादा होने चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्टोरल बोर्ड है ये लीगल है और इसको लीगल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तो अब भी जो है एसबीआई को पटकार लगा रही है, वो कह रही है कि जो पूरा डाटा जो है देना है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी की और वो जल्दबाजी उसको भी अब पता लग गया है कि ये नाम अभी निकल के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके जो है KYC एक बार की जाती है, बाकी मैनुअल होता है, और दूसरा इसमें ITR भरते हैं, समझ रहे हो, इससे जो है जो कह रहे हैं ना कि ED CBI सब पे छापे पड़े हैं, नहीं, उन्होंने क्या करा, अपना जो है इनकम टैक्स बचाने के लिए ये भर दिया चंदा, बहुत सी कंपनियां ब्यूरोक्रेट हैं इसमें। नहीं, मैं समर्थन करूंगा, देखो ऐसा होता है जब इंसान कोई भी हो, मैं तो एक लॉजिकल पॉइंट पे आता हूँ सर, आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं और आप 10 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारों के साथ आपकी तालमेल मिली हुई है, ये मेरे कहने का मतलब। 2014 में नारा दिया गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, लेकिन इस बार का नारा है आपकी बार 400 के पार, और भाजपा के सांसद कहते हैं कि अगर 400 पार अगर आ गया, सीट आ गया, विपक्ष गया, संविधान को बदलने की बात की जा रही है। आपको एक बात बताऊं, देखो उनकी 303 सीटें आई, 15% सीट की उम्मीद लगाएगा ना आप, देखो 90 नंबर ला रहे हो पिछले साल और इस साल 95 की उम्मीद लगाओगे ना, 50 की तो नहीं लगाओगे, वो 15% ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि वो 303 सीट पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं 370 आ जाएगी, 15% और है। भाई उम्मीद तो रखेगा ना, और इनको 40 से ऊपर जाना है तो ये भी बोले ना 200 से पार, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी चीज ये बता दूं, सबसे बड़ा झोल क्या है कि जो बड़े नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, ए ग्रेड के नेता हैं, अगर वो छोड़ देंगे लड़ना, वो लड़ने नहीं जाएंगे चुनाव मैदान में, तो एक बात बताओ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी किसके साथ। देखिए अब आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब जीरो ग्राउंड पे मैंने आपको बार बार यही कहा, 140 करोड़ जनता है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कौन किसके साथ क्या बीती है, वो मुद्दों पे वोट देगी जनता, ये मेरे कहने का मतलब है। जय हिंद जय भारत। ममता बनर्जी अभी रह रहा है, ममता बनर्जी सबसे अहम रोल है उनका, उन्होंने कांग्रेस को 5 सीट नहीं दी, 5 सीट मांगा था, 5 में से उम्मीद थी कि 4 तो दे ही देगी ममता दीदी, दिल पिघल जाएगा, इधर परिवर्तन होगा, लेकिन वो 42 पे लड़ रही है। अब अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस के, उनके खिलाफ यूसुफ पठान को, अब एक बात बताओ, जब राज्यों में तुम्हारा इस तरह गुत्थम गुत्था हो रहा है, पब्लिक देख नहीं रही है कि केंद्र में तुम जाके क्या करोगे, तो एक बात बताओ कैसे लड़ोगे, पहले तो एक होना नहीं है, तुमने सारे जो है आप राज्यों में जाके एक दूसरे के खिलाफ बयान ठोक रहे हैं धनातन, और यहाँ आके कहते हैं हाथ मिला खड़े हैं जी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, पब्लिक समझदार है। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? एकदम भैया, जो सब है वो हम भी है, जो सब कर रहे हो हम भी कर रहे हैं। सब क्या, मोदी जी फिर से क्या लगता है आपको?
मोदी जी आएंगे चार दफा। आपको क्या लगता है मोदी जी बोल दे यार खुलासा बोल दे आईबे करेगा। तो देखा कि जनता जो अपनी राय रख रहे थे इन सभी मुद्दों पर, आप क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, चुनावी तारीख की घोषणा कर दी गई है, 4 जून को रिजल्ट आना है, बस कुछ दिन का वक्त है। आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।